सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का नाम जो हर बीमारी और महामारी में से भी चंगा करने का सामर्थ्य रखता है, उस प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा वंदन है। मेरे प्रियो, आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है और हम हमारे घरों में सुरक्षित पाए जाते हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और लगातार उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो इस वक्त कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। और वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक 5,32,000 से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, 24,000 से अधिक लोगों की जानें चली गई है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और इसलिए हमें प्रार्थना करने की काफी आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति के मन में एक उम्मीद है, एक आशा है कि जरूर कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, प्रभु हमारी सहायता करेगा। और आज का वचन भी हमसे यही बातें करना चाहता है, प्रभु हमसे वचनों से बात करना चाहते हैं। आज का वचन याकूब की पत्री उसका 5:13-17 पद में से लिया गया है। 13 पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन को गाए, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर चंगा करेगा और यदि उसने पाप किए हैं तो वह भी क्षमा किए जाएंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसे। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो, तुम में कोई बीमार है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, कलीसिया के प्राचीन आकर तेल मल के प्रार्थना करें। आज हम कलीसिया के प्राचीनों को या प्रभु के सेवकों को भी हमारे घर पर बुला नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप स्वयं एक छोटी सी कुपी में तेल लीजिए और उस तेल के ऊपर प्रार्थना कीजिए और अपने सिरों पर उसको लगा लीजिए, क्योंकि वचन कहता है कि तेल जो है वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दर्शाता है। हमने अनुभव किया है, कई लोगों के लिए हमने तेल लगाकर प्रार्थना की है, परमेश्वर ने वहां पर बड़े बड़े काम किए हैं, प्रभु ने लोगों को चंगाई दी है। और दूसरी बात वहां पर लिखी है कि विश्वास की प्रार्थना, आप जरूर प्रार्थना करते होंगे लेकिन वो प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होनी चाहिए। 15 वचन में लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बीमार चंगा हो जाएगा, परमेश्वर उसको उठ खड़ा करेगा, उसके पापों को क्षमा करेगा। तो आप विश्वास के साथ में प्रार्थना करते रहे, एक ऐसा विश्वास के जरूर परमेश्वर इस महामारी में से लोगों को छुटकारा दिलाएगा। और तीसरी बात वहां पर जो पाई जाती है कि हम एक दूसरे के पापों को मान ले, हमें परमेश्वर के सामने भी हमारे पापों को मान लेना है और हमने जिस किसी के भी विरुद्ध में गलत किया है तो हम, ये समय है कि हम उस भाई को फोन करें, उस व्यक्ति से कांटेक्ट करने की कोशिश करें और उस व्यक्ति के साथ में हमारे बिगड़े हुए रिश्ते को फिर से, उस टूटी हुई रिश्तों की दरार को फिर से भर दे और एक नए दौर की शुरुआत हो जाए। और इतना ही नहीं, वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा। और उसके बाद में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी और मेरी प्रार्थना से मेरे प्रियो बहुत ही कुछ हो सकता है, बहुत आत्मिक प्रभाव को डाल सकती है। और वहां पर उदाहरण दिया गया है कि एलिया हमारे समान, आप और मेरे समान दुख सुख भोगी व्यक्ति था, परीक्षाओं में से गुजरने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसने प्रार्थना की मेह न बरसे, 3.5 साल तक भूमि पर मेह नहीं बरसी। यदि हम विश्वास के साथ में प्रार्थना करेंगे, ये कोरोना वायरस की जो महामारी है वो इस पृथ्वी के पट पर से, पृथ्वी के छोर पर से चली जाए, परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना का
जरूर प्रत्युत्तर देता रहेगा। ऐसे ही घरों में बैठकर केवल अपने समय को न गवाए, अपने घुटनों पर आए, प्रभु के चरणों में आए और लोगों के लिए, अपने परिवारों के लिए, विश्व के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ऐसे लोगों को आज खोज रहा है जो ये संसार को नाश होने से बचाने के लिए प्रभु को प्रार्थना कर सके। आज के वीडियो के द्वारा प्रभु आपकी सहायता करे और प्रार्थना में अधिक समय बिताने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह दे। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और याकूब की पत्री 5:13 पद के अनुसार यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, कोई बीमार है तो उसके लिए तेल मलकर प्रार्थना की जाए। प्रभु आज हम कोई एक दो व्यक्ति नहीं लेकिन 5,32,000 से अधिक लोग जो कोरोना की चपेट में आकर बीमार पड़े हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप उन सबको छू लीजिए, उन सबको चंगाई दीजिए और कोरोना वायरस पृथ्वी की छोर से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। हर जगहों पर फिर से एक बार आपकी शांति और आपका प्यार प्रभु फैलने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये प्रार्थना में भागी हुए जो भी भाई और बहन है उनके घरों में प्रभु ये महामारी प्रवेश न करने पाए। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके घरों में महामारी प्रवेश न पाए और प्रभु ये विश्वास से प्रार्थना करें और परमेश्वर ये प्रार्थना में नए बल को प्राप्त करें। अपने घरों में रहते समय इनके जीवनों में प्रभु ये और भी आपके करीब आने का अनुभव करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हरे के पापों को क्षमा करना, हम हमारे और प्रभु पिता हमारे परिवारों के, हमारे पुरखों के वो पाप और अपराधों को मान लेते हैं। प्रभु जी हमारे पापों को क्षमा कीजिए और यीशु के नाम में हमें धर्मी ठहराया गया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं और वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर हमें मिले और प्रभु जल्द से भारत और पूरा विश्व इस कोरोना वायरस की बीमारी में से संपूर्ण रीति से चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।